आप देख रहे हैं दैनिक आप तक। मिर्जापुर जनपद में धारा 144 लागू हो चुकी है। धारा 144 की उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह धारा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। जिसकी जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर दशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, साथ ही साथ वारा वफात के मद्देनजर यह निषेधाज्ञा पारित की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार से लापरवाही पे छूट नहीं दी जाएगी बल्कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा के द्वारा मूर्ति विसर्जन वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया। देहात कोतवाली क्षेत्र के अपर खजूरी बांध का निरीक्षण करते हुए यहां पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था कराई गई है, जहां वाहनों के आवागमन के लिए अलग अलग मार्ग तैयार कराए गए हैं, जिससे किसी पर लंबी कतारें न लग पाए। और मूर्ति विसर्जन के दौरान भक्त गहरे पानी में नहीं जाएंगे बल्कि गोताखोर के माध्यम से मूर्ति का विसर्जन गहरे पानी में किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं के लिए टैंकर और बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, जहां किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पाए। इस दौरान जिला पंचायत अधिकारी नीतू सुसोदिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो सर्वेश कुमार की रिपोर्ट, दैनिक आप तक, मिर्जापुर।